हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 6 दिसंबर 2023, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अक्टूबर 2023 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितना था? तो ये है 1.72 लाख करोड़। अक्टूबर 2023 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.72 लाख करोड़ रहा। यह साल दर साल 13.4% की वृद्धि थी और 10 महीनों में सबसे अधिक थी। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2023 में समाप्त तिमाही में वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में किस शहर ने चौथी सबसे अधिक साल दर साल वृद्धि दर्ज की? तो यह है मुंबई। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2023 में समाप्त तिमाही में मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में चौथी सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की। मनीला ने शीर्ष स्थान का दावा किया। जोनजिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह है 1 नवंबर। 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता पूर्ण कार्रवाइयों की याद में द्रास के पास जोनजिला युद्ध स्मारक पर 1 नवंबर को जोजिला दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन बाइसन 1948 में जोजिला दर्रा पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था और एक सैन्य अभियान था जो पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ऑपरेशन सफल रहा और भारतीय सेना ने 1 नवंबर 1948 को दर्रे पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो ये है साइमा वाजिद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक के लिए चुनाव जीता और 10 में से 8 वोटों के साथ निर्णायक जीत हासिल की। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 2 नवंबर। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारों से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और पत्रकारों के खिलाफ अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के आग्रह करने के लिए कराई गई थी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दीपेश नंदा। दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन है। अपनी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो यह नंदिनी दास। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता। इस उल्लेखनीय कार्य को, जिसे मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनीतिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है, ने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 के नोटों का कितना प्रतिशत 31 अक्टूबर 2023 तक वापस आ गया था? तो ये है 97%। RBI ने बताया कि 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 के 97% से अधिक बैंक नोट 31 अक्टूबर 2023 तक वापस आ गए। नवंबर 2023 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधों को बढ़ाने के लिए किस देश का दौरा किया? तो ये है सोलोमन आइसलैंड। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2023 में सोलोमन द्वीप का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के तहत अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख गुओ येझोऊ ने किया। चैंपियंस ऑफ आर्ट्स पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अपने अभिनव समाधानों और परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए एक शहर के मेयर, एक गैर लाभकारी फाउंडेशन, एक सामाजिक उद्यम, एक सरकारी पहल और एक अनुसंधान परिषद को सम्मानित करते हुए 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ की घोषणा की। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से वार्षिक चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार लोगों और ग्रह की रक्षा के प्रयासों में सबसे आगे रहने वाले को दिया जाता रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए।